उपराजधानी का सिविल लाइंस एरिया जहां कलेक्टर कमिश्नर से लेकर अमूमन विभागों के आला अधिकारी रहते हैं, न्यायाधीशों के निवास स्थान है और सबसे अहम ये कि विधान भवन है, उसे हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जाना चाहिए। फिलहाल तो विधान भवन परिसर के चारों ओर अव्यवस्था का आलम देख ऐसा लगता है जैसे यहाँ गंजेड़ियों घुमंतुओं का अड्डा बन चुका है। कोई विधान भवन की दीवार से सटकर चूल्हा जलाकर भोजन बना रहा है तो कोई ठियाज बनाकर गांजा फूंक रहा है। सिविल लाइन में पहले कई चौंकाने वाली घटनाएं हो चुकी हैं। न्यायाधीशों के बंगलों से चंदन के पेड़ काटकर चोर ले उड़े थे। इससे पहले भी एक बैंक के सामने से ग्राहकों का बैग उड़ाया जा चुका है। कार से भी बैग उड़ाने की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ समय पहले झारखंड में एक जज को वाहन से कुचलने की घटना हो चुकी है। उस घटना से भी पुलिस को सचेत होना चाहिए। वहीं सिविल लाइन्स के फुटपाथों पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा यह साबित करता है कि मनपा का संबंधित विभाग कितना बेपरवाह है। विधान भवन परिसर के चारों ओर तो गंजेड़ियों और भिखारियों घुमंतुओं का अड्डा बना हुआ है। यहां गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ बेचने वाले रैकेट सक्रिय होते हैं। गंजेड़ी झुंड बनाकर खुलेआम गांजा पीते देखे जा सकते हैं। धार्मिक स्थल की साइड वाले परिसर में तो 24 घंटे इनका जमावड़ा होता ही है। पुलिस अधिकारियों के वाहन यहां कई बार गुजरते हैं लेकिन उन्हें यह नजर ही नहीं आता। अब तो विधान भवन में एक स्थायी कार्यालय भी शुरू होता है। ऐसे में परिसर की सुरक्षा की स्थायी व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।